वेलकम दोस्तों, आज हम करेंगे दसवीं कक्षा का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। अपने अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखा रही हूँ। आपने एक ग्लास लिया, उसमें थोड़ा सा पानी लिया, साथ में आपने क्या लिया, नमक, जो रसोई घर में हम यूज़ करते हैं। नमक को आपने इस पानी के अंदर डाला और इसको हिलाना शुरू किया ताकि जो नमक है वो पानी के अंदर घुल जाए। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मैच बॉक्स लिया, माचिस ली, और इस माचिस की एक तिल्ली को हमने जला दिया। जब हमने इस माचिस की तिल्ली को जलाया तो इसमें से कुछ धुआं भी निकल रहा है, हल्का सा आपको नजर आ रहा है। अब इन दोनों एक्टिविटीज़ में, क्रियाकलाप में क्या हुआ, पहले क्रियाकलाप में आपने क्या किया, नमक को पानी में मिलाया। आप ये कह सकते हो कि यहां पर आपने क्या किया, घुलनशीलता को देखा। दूसरी अभिक्रिया में आपने क्या किया, माचिस की तिल्ली का दहन किया, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, दहन। अगर अब मैं आपको कहूं कि इस माचिस की तिल्ली को जैसी ये जलने से पहले थी वैसी ही मेरे को वापस दो, तो ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो यहां पर परिवर्तन हुआ वो कौन सा परिवर्तन था, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको आप दोबारा से उनकी प्रारंभ वाली स्थिति में नहीं ला सकते। दूसरा आपके पास यहां क्या किया, हमने नमक को पानी के अंदर घोला। अब मैं कहूं इस पानी में से नमक को वापस निकालो, तो ये हो सकता है आसानी से। आप क्या कहोगे, इस घोल को आप क्या कर दो, गरम करने के लिए रख दो। गरम करने से क्या होगा, जो वहां पर पानी होगा, पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, नमक। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हुआ यहां पर आपका, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनको आप वापस प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हो। अब यहीं से हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा, आपने देखा होगा गर्मी के समय में अगर दूध को बाहर रख देते हैं तो दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है। और मैं कहूँ उस फटे हुए दूध को आप वापस सही दूध में बदल दो, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो चुका है, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि वहाँ पर भी क्या हो चुकी है, रासायनिक अभिक्रिया। घर पर खाना बनता है, मैं कहूँ पके हुए खाने को कच्चे में बदल दो, नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके पास, आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगता है, क्या उस जंग लगे हुए लोहे को आप वापस साफ लोहे में बदल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही आप क्या करें, एक ले मैग्नीशियम रिबन, लैब में आसानी से मिल जाता है, आपने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन दिखने में कैसा होता है, इस तरह से पतली सी पत्ती के रूप में होता है, और जैसा चांदी का रंग होता है वैसा ही होता है दिखने में। इस मैग्नीशियम रिबन को आपने क्या करना है, पहले सैंड पेपर से इसको हल्का सा रगड़ लेना है, और फिर इसके नीचे आपने क्या करना है, गर्म करने के लिए कोई बर्नर रख देना है। अब मैग्नीशियम रिबन को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम रिबन में हम कौन सी
अभिक्रिया को देख रहे हैं, दहन की अभिक्रिया को। दहन करने के लिए हमें किसी भी वस्तु के किसकी उपलब्धता होना अनिवार्य है? ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दहन संभव ही नहीं होगा। तो आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम जो रिबन है वो दहन के दौरान ऑक्सीजन से जुड़ेगा। अब मैग्नीशियम रिबन का सिंबल क्या होता है आपके पास, Mg, किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन से, और उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये अभिक्रिया होती है तो बहुत चमकीली वहां से लो निकलती है, सफेद रंग की लो निकलती है, और नीचे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड किसकी फॉर्म में आ जाएगा, श्वेत चूर्ण की फॉर्म में, यानी कि वाइट पाउडर की फॉर्म में। ये क्या है आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस पूरी अभिक्रिया में क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने जुड़कर आपको एक नया पदार्थ दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये किसके रूप में मिलेगा, श्वेत चूर्ण की फॉर्म में या श्वेत पाउडर की फॉर्म में। अब इस अभिक्रिया के दौरान मैं आपको कहूँ कि मैग्नीशियम रिबन जैसा मैंने आपको जलने से पहले दिया था वैसा ही मेरे को प्राप्त हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये भी कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन दोबारा से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाए जा सकते। मैग्नीशियम रिबन को जो मैंने शुरू में बोला कि आप इसको सैंड पेपर से रगड़कर साफ करोगे, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो ये मैग्नीशियम का रिबन है इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच के रूप में किसकी परत जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से आसानी से जुड़ नहीं पाता, और जो उसके दहन की अभिक्रिया है वो बहुत धीमी होती है। तो अभिक्रिया को जल्दी से करने के लिए हम पहले उसको क्या कर लेते हैं, साफ, ताकि नीचे से नया मैग्नीशियम हमारे पास आए, और वो जल्दी से किसके साथ जुड़ जाए, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, और क्या बना दे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब हम इसी अभिक्रिया को देखते हुए अगर रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई वस्तु या पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में जाता है तो वहां रासायनिक अभिक्रिया होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर अभिकारक आपस में जुड़कर किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में, अगर अभिकारक अगर अभिकारक जुड़कर उत्पाद में बदल जाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहां पर मैंने दो नए शब्दों का प्रयोग किया, एक अभिकारक और दूसरा शब्द क्या लिखा यहां पर, उत्पाद। अब अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं,
अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली अभिक्रिया को ही दोबारा से देखें तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने आपको क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये क्या हैं, अभिकारक। और जो ये नया पदार्थ बन रहा है ये यहाँ पर क्या है, उत्पाद। मतलब अभिकारक क्या होंगे, वो पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन में जाकर नया पदार्थ बनाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, अभिकारक। उत्पाद क्या हो जाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं, उत्पाद। तो आपके पास जो रासायनिक अभिक्रिया में गया वो कौन था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसीलिए नाम क्या दिया, अभिकारक। और जो नया उत्पाद, नया पदार्थ आपके पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने नाम क्या दिया, उत्पाद। जो आपके पास उत्पाद बनता है उसके कुछ नए गुण होते हैं और उसकी कुछ अपनी एक नई पहचान होती है। जैसे मैग्नीशियम जो रिबन था वो कैसा था, ठोस था। ठोस को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एस। एस का मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, तो इसीलिए यहाँ एस लगाया। आपके पास जो ऑक्सीजन है वो किसके रूप में होती है, गैस। गैस को दर्शाने के लिए हमने जी लगाया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका पाउडर फॉर्म होता है, तो वो भी ठोस होता है, वो भी सॉलिड। तो अब ये दोनों आपस में जुड़े तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उत्पाद बनता है, उसके अपने कुछ नए गुण होते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो आपके पास कुछ निर्धारित पॉइंट्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। सबसे पहला, अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पर पहला आपको ध्यान रखना है कि वहां पर हो सकता है कि क्या हो, गैस का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या है कि रिएक्शन के दौरान, जो अभिक्रिया है उसके दौरान गैस बाहर निकल रही हो। जैसे अभी मैंने माचिस की तिल्ली को जलाया तो आपने देखा उसमें से हल्का सा धुआं बाहर निकल रहा था, तो वो किसको आपको बता रहा था कि वहां पर गैस का उत्सर्जन है। जैसे मैंने क्या किया, एक शंकु आकार की फ्लास्क ली, ये क्या है, शंकु आकार फ्लास्क। इसके अंदर आपने छोटे छोटे दानेदार जिंक को डाल दिया। क्या डाला आपने, दानेदार जिंक। जिंक भी बोलते हैं और इसको जस्ता भी बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, इस फ्लास्क के अंदर तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल देना है। किसको डालना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, H2SO4। जैसे ही आप इसमें तनुकृत अम्ल डालेंगे तो जो ये दानेदार जिंक है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इस अम्ल के साथ। और वो अभिक्रिया आप कैसे लिखोगे, जिंक
जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। किसके साथ जुड़ेगा वो? अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना देंगे यहां पर? जिंक का सल्फेट, और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। ये क्या हुआ? जिंक सल्फेट बन गया। और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई। जब भी रिएक्शन में से कोई गैस के रूप में बाहर निकलता है तो आप इस तरह से एक एरो दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ, मतलब कि गैस के रूप में वो बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन का आपको कैसे पता चलेगा? गैस के उत्सर्जन से। इस अभिक्रिया में एक और खास बात क्या होती है कि जब आप इस रिएक्शन को कर रहे होते हैं और आप इस फ्लास्क को टच करके देखेंगे, छू कर देखेंगे, तो फ्लास्क बाहर से कैसी हो जाएगी? गरम। मतलब जहां आपके उत्पाद हैं उधर मैंने क्या लिख दिया? उष्मा। किसका उत्सर्जन होगा यहाँ? उष्मा का, जिसकी वजह से ये फ्लास्क गर्म हो जाएगी। तो आपके पास दूसरा तरीका कैसे है पता लगाने का कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तापमान में परिवर्तन। तो अब हम अपना दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ। तापमान में परिवर्तन, जैसा इसी अभिक्रिया में मैंने बताया कि आपकी फ्लास्क गर्म हो जाएगी, तो ये आपको बताता है कि तापमान में क्या हो रहा है यहाँ पर? परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो हम उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, या हम कह सकते हैं कि ऊष्मा उत्पाद की तरफ बाहर निकलती है। उत्सर्जित होना, या फिर आप क्या कह सकते हो? बाहर निकलना। जैसा कि इस अभिक्रिया में हुआ कि ये तो आपके अभिकारक हैं, अभिकारक से जब आपके पास उत्पाद बने तो साथ की साथ बाहर क्या निकल जाती है? ऊष्मा। और ऐसी जो आपके पास अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं। इसी में